जिला कांगड़ा के युवा धावकों ने धर्मशाला के सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक में 21 दिसंबर को जिला स्तरीय लंबी व मध्यम दूरी की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में जिला कांगड़ा के 13 से 15 वर्ष तथा 16 से 19 आयु वर्ग के लड़के व लड़कियों ने भाग लिया। दोनों वर्गों में पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 6,000, द्वितीय को 5 और तृतीय को 4,000 रुपए नगद राशि दी गई। तेरह से 15 वर्ष आयु वर्ग में लड़के व लड़कियों को 3,000 मीटर तथा 16 से 19 आयु वर्ग में लड़के व लड़कियों के लिए 5,000 मीटर दौड़ का ये आयोजन किया गया था। खेल विभाग के हॉकी कोच एनपी गुलेरिया ने बताया कि 21 दिसंबर को सिंथेटिक ट्रैक में जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 13 से 15 तथा 16 से 19 आयु वर्ग के धावकों ने भाग लिया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वालों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी किया गया, जो आगामी माह चंबा में आयोजित की जाएगी। जिला कांगड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नशा कारोबारियों पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की है। अभियान के तहत 30 दिन में जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत 35 मामले और एक्साइज के 70 मामले पुलिस ने पकड़े हैं, वहीं छन्नी क्षेत्र में पुलिस ने अभियान के तहत छापामारी कर हजारों लीटर अवैध शराब को भी नष्ट किया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की पहल पर कांगड़ा जिला पुलिस ने 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जिले में नशे के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया था, जिसमें जहां स्कूलों, कॉलेजों, यूथ क्लबों और पंचायतों में जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। जिला पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी पुलिस नशे के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगी। एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान में जिला पुलिस ने 30 दिनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 35 मामले, एक्साइज के तहत 70 मामले और कई मामलों में अभी भी कार्रवाई जारी है। वहीं छन्नी क्षेत्र में छापामारी कर हजारों लीटर अवैध शराब को भी नष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया गया। सोलन में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, लेकिन फिर भी व्यापारी पैसे की लालच में आकर अपने उत्पाद बेच रहे हैं, जिस पर विभाग द्वारा छापामारी समय समय पर की जा रही है और तंबाकू बेचने वालों पर जुर्माना भी किया जा रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि विभाग द्वारा अब नियमों की उल्लंघना करने वालों पर और सख्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में तंबाकू और निकोटीन पदार्थों पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे बेच रहे हैं, जिनकी छापामारी की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सोलन शहर में कई दुकानदार विदेशी सिगरेटों को बेच रहे हैं, जिन पर चित्र की चेतावनी तक नहीं है। इन दुकानदारों का सामान भी जब्त किया जा रहा है और जल्द ही कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी रह चुके राजेश कश्यप ने सोलन वासियों से वायदा किया था कि सत्ता में आते ही वे सोलन को नगर निगम का दर्जा दिलवाएंगे। चुनावों के दौरान भाजपा को हर छोटा बड़ा नेता यहां आया और सभी ने सोलन को नगर निगम बनाने का वायदा जरूर किया था। यही नहीं, प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद मुख्यमंत्री भी कई बार सोलन का दौरा कर चुके हैं और हर बार उन्होंने सोलन की जनता को नगर निगम का वायदा किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी जयराम ठाकुर की हां में हां मिलाई थी, लेकिन 2 वर्ष का कार्यकाल अभी पूरा होने जा रहा है, लेकिन आज तक सोलन को नगर निगम की प्रक्रिया भी शुरू नहीं होने पर रोष है। नगर निगम के मुद्दे पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि सोलन को नगर निगम बनाना ये तय है, लेकिन सोलन की 8 पंचायतों को इस प्रक्रिया में सहमति जितानी पड़ेगी, जो कि अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही गांव के प्रधानों और ग्रामवासियों से इस बारे में चर्चा करेंगे और नगर निगम
के नफा नुकसान के बारे में भी जानकारी देंगे। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सोलन की जनता से आह्वान किया कि वे सोलन को जल्द ही नगर निगम बनाने का तोहफा दिलवाने का प्रयास करेंगे।